हेलो गाइस, वेलकम टू स्टे स्मार्ट। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल किस तरह से लिख सकते हैं। जी हाँ गाइस, बिगिनर्स के लिए एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक बिगिनर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बड़ी आसानी से किस तरह से लिख सकता है। जी हाँ गाइस, बिगिनर्स तो आर्टिकल्स लिखते हैं, लेकिन गाइस जब तक वो आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली नहीं होता, वो आर्टिकल कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, सिर्फ वो टेक्स्ट कंटेंट हो जाता है। आपका आर्टिकल जो है वो रैंक नहीं करेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा कि ईजिली आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हो। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना बहुत ही आसान होता है। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको अपना डेमो भी बताऊंगा। मेरा एक न्यू साइट है, उसका आर्टिकल किस तरह से गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको एसईओ करके सब कुछ डिटेल में मैं डेमो के साथ बताने वाला हूं। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और अगर गाइज आप इस वीडियो को लंबे होने की कारण से छोड़ के जाते हो तो गाइज आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और अच्छे से फॉलो करते हो तो आप भी एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बड़े आसानी से लिख सकते हो। मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है जो कि एक बिगिनर को जाननी चाहिए। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस पर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा। गाइस, अगर आप ब्लॉगर पे ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगर पे आर्टिकल्स लिखते हो, तब भी आप इस वीडियो को देखिए। प्रोसेस तो सेम ही होता है, बस आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। और डैशबोर्ड में आ जाने के बाद मैंने एक पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है ड्राफ्ट में। पोस्ट सिर्फ मैंने टेक्स्ट ऐड किया है, कुछ लिख कर रखा है, तो मैं उस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे ड्राफ्ट में दो तीन पोस्ट है। तो हम इस वाले पोस्ट को यहाँ पर आप देख सकते हो, शायरी ऑन लाइफ हिंदी, इस वाले पोस्ट को हम एसईओ फ्रेंडली करेंगे। इस पोस्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, ये रहा मेरा वो पोस्ट, शायरी ऑन लाइफ हिंदी, ज़िंदगी शायरी, मैंने कुछ इस तरह का टाइटल दिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पोस्ट मैंने काफ़ी लंबा पोस्ट लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना लंबा ये पोस्ट मैंने लिख के रखा है। मैंने जस्ट टेक्स्ट को ऐड किया है, बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो जब भी आप आर्टिकल लिखोगे, जब आप टेक्स्ट लिखोगे, तो इसी तरह से आपको आर्टिकल लिख लेना है, उसके बाद हम उसे एसईओ फ्रेंडली करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लंबा ये पोस्ट है, 1949 वर्ड्स का ये पोस्ट है। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं पोस्ट को किस तरह से एसईओ फ्रेंडली किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोस्ट लिखने से पहले, आर्टिकल लिखने से पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप किस कीवर्ड पर पोस्ट लिखने वाले हो, किस कीवर्ड पर आप वो पोस्ट लिख रहे हो, किस कीवर्ड पर आप उस पोस्ट को रैंक कराना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख सकते हो शायरी ऑन लाइफ हिंदी, मेरा ये कीवर्ड है, मैंने इससे रिलेटेड ही पोस्ट लिखा है। ये कीवर्ड सर्च करने पर मेरा पोस्ट आना चाहिए, तो इस कीवर्ड से रिलेटेड मैंने आर्टिकल लिखा है। तो आपको भी आर्टिकल लिखने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर, कौन से कीवर्ड पर आप आर्टिकल लिख रहे हो, किस कीवर्ड पर आपको रैंक कराना है। तो सबसे पहले उस कीवर्ड को आप ले लीजिए, और ले लेने के बाद उस कीवर्ड को आपको एक बार गूगल पर सर्च करना है। और जैसे ही आप गूगल पर सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड और भी कई सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो आपको वहाँ पर से कुछ आइडिया मिल सकता है कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड और भी कई सारे कीवर्ड्स आपको वहाँ से मिल जाते हैं। तो आपको गूगल पर सर्च करना है, और नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे कीवर्ड्स आपके कीवर्ड से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कौन कौन से कीवर्ड्स आपके आर्टिकल से रिलेट कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी कर लेने के बाद आप आइए नोटपैड में, इसे पेस्ट कर लीजिए। और पेस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए, ये सारे कीवर्ड्स मेरे कीवर्ड से मैच कर रहे हैं। तो हमें इस तरह के ही कीवर्ड्स को उठाना है, और उठाकर हमें अपने पोस्ट में इंप्लीमेंट करना है, यानी कि हमारे पोस्ट में ऐड करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन करके दिखाता हूँ। गाइस, कीवर्ड तो हमने कॉपी कर लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप आर्टिकल लिखोगे ना गाइस, तो आपके जो पैराग्राफ्स होंगे आर्टिकल्स के, वो आपको छोटे से छोटे रखने हैं, क्योंकि जब यूज़र आएगा, जब पढ़ेगा, तो उसे छोटे पैराग्राफ पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स लंबे लंबे अगर लिखोगे, तो शायद ही कोई आएगा व्यूअर, तो वो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा, आधा पढ़ेगा, छोड़ देगा। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं। हाँ, मैं मानता हूँ ये कॉट वाला वेबसाइट है, तो छोटे छोटे ही पैराग्राफ्स होंगे, लेकिन आपको भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक छोटे छोटे पैराग्राफ्स करना है, ताकि रीडर को आसानी हो पढ़ने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जिस भी कीवर्ड्स को अब कॉपी किया है गूगल से, उन कीवर्ड्स को कॉपी करके हम अपने पोस्ट में ऐड करेंगे। हम
जो कीवर्ड्स को हमने फाइंड किया है, आप देखिए आपके पोस्ट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को आपको सब हेडिंग्स बनाना है। ये जो शायरी ऑन लाइफ हिंदी है ये आपका हेडिंग है, यानी कि टाइटल है आपका, H1 है। तो अब हमने जो कीवर्ड्स को कॉपी किए हैं उन्हें हमें सब हेडिंग बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर से इस कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, लाइफ शायरी इन इंग्लिश हिंदी, इसे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद तो आप कहीं पर भी अपनी सब हेडिंग बना सकते हो, थोड़े बहुत पैराग्राफ छोड़िए आपके पोस्ट के लेंथ के हिसाब से छोड़कर आप कहीं पर भी अपनी जो सब हेडिंग है वो बना सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर से हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हो H2, H3, H4। तो आपको इस तरह के सब हेडिंग्स बनाना है। तो आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए उस कीवर्ड को और उसे H2 दे दीजिए, और दे देने के बाद ये जो है वो आपकी सब हेडिंग H2 बन चुकी है। यहाँ पर से आप इसे चाहो तो अरेंज कर सकते हो, और करने के बाद वन बाय वन आपको इसी तरह से जो कीवर्ड्स आपने कॉपी किए हैं उन सारे को आपको H2, H3 इस तरह के सब हेडिंग्स बनाना है। अब यहाँ पर से मैं इस वाले कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, इमोशनल शायरी इन हिंदी ऑन लाइफ, इसे मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद सेम आर्टिकल में कहीं पर भी जाइए, प्लस के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, हेडिंग, और हेडिंग के बाद और यहाँ पर से आप H2, H3, H4 कौन सी सब हेडिंग बनाना चाहते हो उसे सेलेक्ट कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। मैं इसे यहाँ पर H2 ही रहने देता हूँ, और वन बाय वन ऐसा ही करके आपने जो भी सारे कीवर्ड्स को कॉपी किए हैं उन्हें आप सब हेडिंग्स बना दीजिए। तो चलिए मैं वन बाय वन बनाता हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। और सब हेडिंग्स ऐड कर देने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आ जाइए, और हाँ SEO फ्रेंडली आर्टिकल अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली आपके WordPress में योस्ट SEO प्लगइन को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो सीधा नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो रेड डॉट्स आ रहे हैं हमें इन्हें ग्रीन करना है, तभी हमारा पोस्ट जो है वो SEO फ्रेंडली होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट आउटबाउंड लिंक्स, नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन दिस पेज, यानी कि ये बोल रहा है कि आउटबाउंड लिंक्स जो होते हैं वो आपके पोस्ट में नहीं है। तो यहाँ पर आपको आउटबाउंड लिंक्स देने हैं। अब आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं? आउटबाउंड लिंक्स यानी कि आप अपने आर्टिकल में किसी और वेबसाइट को प्रेफर कर रहे हो, किसी और वेबसाइट के लिंक दे रहे हो। तो सिंपली आप किसी भी वेबसाइट के लिंक दे सकते हो। मैं तो यहाँ पर सिंपली आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, यू कैन शेयर दिस आर्टिकल विथ योर फ्रेंड्स, बल्कि लिख कर FB और WhatsApp के मैं यहाँ पर लिंक्स दे देता हूँ, आउटबाउंड लिंक्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा है शेयर दिस आर्टिकल विथ योर फ्रेंड्स ऑन FB एंड WhatsApp। तो इस तरह से आपको लिख देना है, और लिखने के बाद यहाँ पर से FB को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लिंक का आइकॉन आया है, आपको इस लिंक के आइकॉन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर लिखना है www.facebook.com, और ये रही आपकी एक आउटबाउंड लिंक बन गई है। उसी तरह से इस WhatsApp को यहाँ पर से आप कॉपी कीजिए टेक्स्ट को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए, और लिंक पर क्लिक करने के बाद www.whatsapp.com। तो यहाँ पर से आपके जो दो आउटबाउंड लिंक्स है वो बन गए हैं। तो अब थोड़ा सा नीचे आइए, और तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटबाउंड लिंक्स जो है वो गुड जॉब, यानी कि वो ग्रीन हो चुका है। इसी तरह से अब आप यहाँ पर देख सकते हो नो इंटरनल लिंक्स अपीयर इन दिस पेज, यानी कि आपने आपके पोस्ट में इंटरनल लिंक्स नहीं दिए हैं। इंटरनल लिंक्स मतलब आपके पोस्ट के किसी और आर्टिकल के लिंक्स आपने इस आर्टिकल में नहीं दिए हैं। तो आपको आपके वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल के लिंक्स आपको इस आर्टिकल में देने हैं ताकि वो इंटरनल लिंक्स कहलाए। तो चलिए अब हम चलते हैं आर्टिकल में, और यहाँ पर से कहीं पर भी मैं अपने जो पोस्ट के किसी भी आर्टिकल को यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं अपने इंटरनल लिंक्स बनाता हूँ। प्लस के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ, और पैराग्राफ में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिखूँगा यू कैन ऑल्सो चेक दिस आर्टिकल। और लिख देने के बाद आपको अपने वेबसाइट पर जाना है, और वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आपके आर्टिकल की लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने आर्टिकल पर। सो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो bestlines.in, ये मेरा वेबसाइट है गाइज़, ये एक नया वेबसाइट है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आप चाहो तो आकर इससे विजिट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर से आपको अपने आर्टिकल के टाइटल को कॉपी कर लेना है। तो मैं इस वाले टाइटल को सारा का सारा कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी कर लेने के बाद
अपने आर्टिकल में आके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट कर देने के बाद आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर लिंक बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी वो लिंक बन चुकी है। तो इसी तरह से एक और आर्टिकल को मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। अगेन प्लस के अकाउंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर से पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप यू कैन ऑल्सो चेक दिस आर्टिकल लिख दीजिए और उसके बाद आइए अपने वेबसाइट पर फिर से। और आने के बाद यहाँ पर से किसी एक और आर्टिकल को आपको के टाइटल को आपको कॉपी कर लेना है। तो चलिए कौन सा चलिए इस वाले आर्टिकल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी कर लेने के बाद फिर से आइए आर्टिकल में और पेस्ट कर दीजिए। बस यहाँ पर आपके दो इंटरनल लिंक्स बन चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं वो जो इंटरनल लिंक का रेड आ रहा था वो अब ग्रीन हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरनल लिंक्स जो थे वो भी अब ग्रीन हो चुका है। अभी ये जो तीन बचे हैं रेड, आपको इनको भी ग्रीन करना है। आपको SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए ये सारे डॉट जो रेड डॉट्स है आपको उन्हें ग्रीन करना है। और आप यहाँ पर टेक्स्ट की लेंथ भी देख सकते हो, जो 1949 थी वो अब 2026 हो चुकी है, यानी कि कुछ ऐड किया है टेक्स्ट तो वहाँ पर लेंथ भी बढ़ चुकी है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस, हमने अपने आर्टिकल में एक भी इमेज को ऐड नहीं किया है। लेकिन गाइस SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए इमेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ गाइज, मैं आपको यहाँ पर डेमो के साथ दिखा सकता हूँ इमेजेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके पोस्ट को रैंक कराने में। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है आपका पोस्ट जो है वो रैंक नहीं करता, लेकिन आपकी जो इमेज होती है वो रैंक कर जाती है। तो चलिए इमेज किस तरह से रैंक करती है वो अब मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखाता हूँ। तो चलिए गूगल पर चलते हैं और गूगल पर चलकर वहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा मेरा जो साइट है बहुत ही नया साइट है और उसकी इमेज गूगल पर किस तरह से रैंक कर रही है। तो मैं यहाँ पर से कुछ कीवर्ड को सर्च कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया है और कीवर्ड को सर्च करने के बाद अब आ जाइए इमेजेस पर। और इमेजेस में आ जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो गूगल के सर्च इंजन के फर्स्ट पोजीशन पर मेरी इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो bestlines.in, ये मेरी इमेज है, मेरे आर्टिकल की इमेज है, ये मेरे पोस्ट की इमेज है और गूगल के नंबर वन पर ये रैंक कर रही है। तो गाइज इस तरह से इमेजेस जो है वो रैंक करती है, आपका पोस्ट रैंक करे या ना करे लेकिन आपकी इमेजेस रैंक कर जाती है। और गाइज पोस्ट से ज़्यादा इमेजेस सर्च होती हैं गूगल पर, तो इमेजेस से आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है। तो आपको अपने पोस्ट में इमेज डेफिनेटली ऐड करनी चाहिए। इस इमेज पर अगर कोई क्लिक करता है और क्लिक करके यहाँ से कोई आता है तो मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक इस इमेज से मिलता है। सिर्फ एक इमेज से मुझे अच्छी खासी ट्रैफिक मिल जाती है। तो जैसे ही कोई यहाँ पर क्लिक करता है तो वो आ जाएगा सीधा मेरे वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है मेरा वेबसाइट और ये मेरा आर्टिकल, तो किस तरह से गूगल के फर्स्ट नंबर पर ये रैंक कर रहा है। तो ये तो मैंने एक कीवर्ड को सर्च किया है। आप बोलोगे एक कीवर्ड रैंक कर गई वो पता नहीं कैसे, तो चलिए मैं यहाँ पर से एक और कीवर्ड सर्च करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरे इमेजेस फिर से गूगल के सर्च इंजन में रैंक कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर से मैं कीवर्ड को पेस्ट करता हूँ और सर्च, फिर इमेजेस पे आ जाइए और आप यहाँ पर देख सकते हो इस कीवर्ड पर भी फर्स्ट नंबर पर मेरी ही इमेज रैंक कर रही है। वही सेम इमेज यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो bestlines.in मेरा वेबसाइट और यहाँ पर आप देखिए सेकेंड लाइन की जो सेकेंड इमेज है वो भी मेरी है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो bestlines.in, यानी कि दो इमेजेस मेरे फर्स्ट पर रैंक कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे कीजिए आप यहाँ पर देख सकते हो थर्ड लाइन के थर्ड इमेज जो है ये फैजो वाली, ये भी मेरी इमेज है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो bestlines.in, यानी कि एक कीवर्ड पे मेरे तीन इमेजेस रैंक कर रहे हैं। तो आप सोचिए आपका ट्रैफिक किस तरह से बढ़ सकता है सिर्फ और सिर्फ इमेजेस से। फिर देखिए आप थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पर चौथे लाइन में भी फर्स्ट इमेज जो है वो भी मेरी है। आप देख सकते हो नीचे bestlines.in, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो इस तरह से इमेजेस बहुत ही आसानी से रैंक कर जाती है, बहुत ही अच्छे से रैंक होती है, आपके पोस्ट को ये बूस्ट कर देती है। यहाँ से अगर ट्रैफिक आपके आर्टिकल पे जाएगा तो आपका आर्टिकल खुद ब खुद रैंक होना शुरू करेगा। तो आपको इमेजेस को ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं इमेजेस को ऐड करता हूँ। और भी कई सारे कीवर्ड्स पर मेरी कई सारी इमेजेस नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री पर रैंक कर रही है। मैं अब सभी नहीं बता सकता, आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। अब तो चलते हैं आर्टिकल पर और आर्टिकल पर जाने के बाद कुछ इमेजेस को मैं ऐड करके वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने इमेजेस को मीडिया में अपलोड कर लिया है, अब मुझे इसे आर्टिकल में ऐड करना है। तो मुझे इस कोड के लिए इमेज चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद इमेज, और इमेज पर क्लिक करने के बाद मीडिया लाइब्रेरी,
तो यहाँ पर अब इमेजेस लोड होंगे और लोड हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस आ गए हैं। तो मुझे ये इस वाली इमेज को वहाँ पर ऐड करना है, तो इमेज को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप गौर से देखिए गाइस, यहाँ पर आप देखिए ऑल टैग्स। तो आपको यहाँ पर आपके कीवर्ड्स आपको देने हैं। आप मैंने जो कीवर्ड सर्च किया है गूगल पर, तो मेरी जो इमेज है वो फर्स्ट नंबर पे आई है, तो उस तरह के कीवर्ड आपको यहाँ पर देना है। किस कीवर्ड पर आप अपनी इमेज को रैंक कराना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर अच्छे से कीवर्ड देना है। तो मैं यहाँ पर से कुछ भी कीवर्ड्स दे देता हूँ। गाइज, आपको ऑल टेक्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, आपका ऑल टेक्स्ट बहुत मैटर करता है इमेज को रैंक कराने में। तो आपके जो पोस्ट का जो टाइटल है वो आपको कॉपी करना है और ऑल टेक्स्ट में पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद आप और भी आपकी इमेज किस बारे में है, किस कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाहते हो, आप वो भी यहाँ पर से ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद ऑल टेक्स्ट को कॉपी कीजिए। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे टाइटल, तो आपको टाइटल में उसी को पेस्ट कर देना है। और पेस्ट कर देने के बाद आप आइए नीचे डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप और भी थोड़े कीवर्ड्स को आप दे सकते हो। मैं बस वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम कीवर्ड्स को ऐड करने में नहीं दूंगा। मैं तो कोई भी कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से देखकर सोच समझकर आपको आपके कीवर्ड्स को देना है, ये बहुत मैटर करते हैं सर्च इंजन में। तो चलिए यहाँ पर से मैं ऐड कर देने के बाद सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसी तरह से वन बाई वन मैं कुछ इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, आप यहां पर देख सकते हो मैंने कुछ इमेजेस को ऐड किया है, और यहां पर आप देख सकते हो मेरा जो आर्टिकल है वो किस तरह से लग रहा है। तो चलिए हम नीचे आते हैं और देखते हैं और क्या रेड है हमें जिसे ग्रीन करना चाहिए। तो गाइस, आप यहां पर देख सकते हो ये जो इमेज वाला मार्क है वो ग्रीन नहीं हुआ है, वो कुछ ऑरेंज शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि बट यू हैव नॉट सेट योर कीवर्ड्स, यानी कि हमने फोकस कीवर्ड को ऐड नहीं किया है इसलिए वो एरर आ रहा है। जैसे ही आप फोकस कीवर्ड सेट कर दोगे आपका वो जो एरर है वो जो ऑरेंज है वो ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर और दो रेड डॉट्स है जिसे हमें ग्रीन करना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन हमने ऐड नहीं किया है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हो एडिट स्निपेट, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो आप यहाँ पर से आपके आर्टिकल से रिलेटेड आपको मेटा टैग डिस्क्रिप्शन देना है। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन आपके आर्टिकल के सर्च इंजन में बहुत हेल्प करता है। तो आपको सिंपली आपके टाइटल का जो आपके आर्टिकल का जो टाइटल है उसे कॉपी करना है और पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। ज़्यादा आप यहाँ पर मत भरिए, ये जो डिस्क्रिप्शन की जो नीचे लाइन दिख रही है वो ग्रीन हो उतना ही आपको इसमें लिखना है, ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। और रिपीटेड कीवर्ड्स भी आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, सिर्फ दो रिपीटेड कीवर्ड आप लिख सकते हो। तो टाइटल को कॉपी कर लीजिए और कुछ भी लिख दीजिए, मैं यहाँ पर से कुछ भी लिख देता हूँ आपको बताने के लिए, आप अच्छे से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लाइन है वो ग्रीन हो चुकी है, मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है। तो यहाँ पर सभी ग्रीन हो चुके हैं, बस ये एक जो है वो रेड है क्योंकि हमने फोकस कीवर्ड को अभी नहीं दिया है, हमने फोकस कीवर्ड सेट नहीं किया है। तो इसके लिए आपके आर्टिकल का जो फोकस कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो, आपके टाइटल में जो कीवर्ड है आपको उसे कॉपी करना है, उसे आपको फोकस कीवर्ड बनाना है। तो उसे कॉपी कर लीजिए, और कॉपी कर लेने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हो फोकस कीवर्ड, यहाँ पर आपको आपके कीवर्ड को देना है। आप सिंपली पेस्ट कर दीजिए, और ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम आपका जो कीवर्ड है वो फोर कीवर्ड्स का आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड दे सकते हो, फोर वर्ड्स का आप कोई भी कीवर्ड दे सकते हो। तो सिंपली दे दीजिए, और दे देने के बाद नीचे आइए, आप यहाँ पर देख सकते हो ये भी ग्रीन हो चुका है, यानी कि आपका जो पोस्ट है वो फुल्ली SEO फ्रेंडली हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे के सारे ग्रीन हो चुके हैं, बस वो इमेज का जो है वो ऑरेंज रह गया है, मैं उसे कर दूंगा सेट। तो ये सारे के सारे ग्रीन हो जाने के बाद आपको आपके आर्टिकल के टैग्स देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड में टैग्स, यहाँ पर आप देख रहे हो टैग्स, तो आपको यहाँ पर आपके कीवर्ड से रिलेटेड टैग्स देना है, सॉरी आपके आर्टिकल से रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर आपको देने हैं, टैग देने हैं, किस टैग्स पर आपके पोस्ट को रैंक कराना आप चाहते हो वो कीवर्ड्स आपको आपके टैग्स में देना है। तो यहाँ पर से मैं लिख देता हूँ, अपने आर्टिकल को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, और भी कुछ लिख दीजिए जिस पर भी आप अपने पोस्ट को रैंक कराना चाहते हो, सर्च इंजन में लाना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप ये भी आपने जो मेटा टैग डिस्क्रिप्शन में दिया है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप अच्छे से सोच समझ कर दीजिए।
मैं तो जस्ट आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे फ्यूचर्ड इमेज, यानी कि आपका आपका जो आर्टिकल है उसकी जो इमेज है फ्यूचर्ड इमेज कौन सी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर से कोई भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर से कोई भी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाली इमेज को मैं फ्यूचर इमेज रख रहा हूँ। तो सिंपली आप कोई भी इमेज को फ्यूचर इमेज बना सकते हो। तो गाइस इस तरह से बनता है एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। सुनने में बहुत ही डिफ़िकल्ट है एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना, लेकिन आपने देखा लाइव मैंने डेमो के साथ दिखाया है आपको कि किस तरह से आप एक अच्छा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हो। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। अगर आप उन सभी चीज़ों को अपने आर्टिकल में इंप्लीमेंट करोगे, अपने आर्टिकल में ऐड करोगे, तो उम्मीद है आपका पोस्ट जो है वो बहुत जल्दी रैंक कर सकता है। मैंने अपने पोस्ट के आपको इमेजेस किस तरह से गूगल के नंबर वन पर रैंक कर रहे हैं वो भी आपको बताया है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी आपको बताया है वो अच्छे से समझ आया होगा आपको। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और गाइस आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी एसईओ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए थे तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। बाय।